मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र नवीन नगर की रहने वाली एक छात्रा का शव मझौला थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला। इस मामले में छात्रा के परिवार वालों ने अपनी बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई, पुलिस से शिकायत भी की। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, साथ ही उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्हें नहीं दी गई। उनके घर का मोबाइल भी थाने में जमा करा लिया गया। पीड़ित परिवार ने मझौला थाने पहुंचकर इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र नवीन नगर के रहने वाले संजय पुत्र लल्लू, जो कि एमडीए में कार्यरत है, उनके द्वारा क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनकी बेटी उन्नति, जिसकी उम्र 17 थी, वो मैथ्स की उसके बाद 4:30 बजे वो मैथ्स कोचिंग गई। उसके बाद 4:30 बजे से दूसरी कोचिंग जाती थी। 14 फरवरी की शाम 4:30 बजे वाली कोचिंग नहीं पहुंची। 7 बजे तक जब वो घर नहीं आई तो हमने कोचिंग में पता किया। पता चला कि वो कोचिंग नहीं आई है। फिर हमने उसको सब जगह पता किया, पूरी रात उसको ढूंढा और वो रात को नहीं मिली। अगले दिन 15 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे पुलिस को कॉल आया और हमको पुलिस स्टेशन आने को कहा। काशीराम पुलिस चौकी पर पहुंचे तो हमको बताया गया कि आपकी बेटी उन्नति का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। इस वक्त उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वहां बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम किया। शाम को 5 बजे हमको बॉडी दी गई। डेड बॉडी को घर लाकर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन हम एसएसपी ऑफिस गए। हमने पूरी बात एसएसपी को बताई और लिखित रूप से हमने शिकायत की कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। पिछले कई दिनों से हम इधर से उधर, कभी मझौला थाना तो कभी काशीराम पुलिस चौकी जा रहे हैं। अभी तक ना तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई और ना ही कोई शिकायत ली गई। पीड़ित परिवार ने इस मामले में मझौला थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। संजय, क्या घटना हुई है? घटना 14 तारीख को लड़की 3:30 बजे ट्यूशन गई। ट्यूशन जाने के बाद 4:30 बजे वाली ट्यूशन में गई। ये लड़का है, लड़की ज्योति है, ज्योति नाम की लड़की है। उसने मैसेज करा उसने लड़के ने कि ज्योति उसको बाड़ी को बुला दो। उसके बाद लापता ये लड़का भी आया, वहाँ से लेके भी गया। फिर कह रहा मैंने पीटीसी छोड़ गया, फिर जबस्ती से पकड़ ला था, वो भागी, लेकिन ये पकड़ के ले गया शायद कहीं। और ये अब कबूल नहीं रहा है पूरी बात। मेरी बेटी है हमारी, बेटी आपकी? हाँ। तो कब से लापता थी ये? सुबह पता चला, फ़ोन आ गया पुलिस स्टेशन। ट्यूशन गई थी कितने बजे से? 3:30 बजे से ट्यूशन के कर गई थी। हाँ। उसके बाद सूचना क्या मिली पुलिस से? पुलिस से सुबह सूचना मिली वो लड़की तुम्हारी ट्रेन से गिर के मर गई। हाँ। क्या लगता है आपको इस मामले में? मर्डर है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? न्याय, इंसाफ मिले, उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस। संजीव कुमार, मैं घटना हुई है और आज मझौला थाने पर पहुंचे हैं, आप क्या मामला है? ये 14 तारीख की घटना है जो मेरी भांजी के साथ हुआ है। 14 तारीख की रात करीब 12:01 बजे के टाइम पर ये पुलिस का कहना है कि उसके साथ जो भी हुआ वो ट्रेन से गिरने का हादसा दिखा रहे हैं। बट हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों ने वहाँ पे मोर्चे पर जाके देखा, वीडियोग्राफी की है, उसके अकॉर्डिंग हमें दिखता है कि हमारी मेरी भांजी के साथ जो जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, उसको ट्रेन से धक्का दिया है या फिर ट्रेन पर ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। उसके साथ शव जहाँ पर मिला है उस पर देखा, साफ साफ देखा जा रहा है कि उसको सर पर चोट मारने की कोशिश की गई है। पुलिस ने भी आरोपी को छानबीन करके खोजा है और हमने भी इंस्टाग्राम से उसकी वीडियो चैट देखा, उसको बताया कि राघव नाम का एक लड़का दोषी पाया गया है। दोषी को 3 दिन मझौला थाने में रखा गया और पुलिस ने उसको वाइज्जत छोड़ दिया गया। आज सीओ सिटी के पास हम जाने के बाद, आज 27 तारीख को हम जब सिटी सीओ सिटी के यहाँ गए, उसके संज्ञान में ये सब चीज़ें बताई, तो सीओ सिटी ने उसको फ़ोन किया, तब पता चला कि वो उस लड़के को हमने पहले से ही ले रखा है और उससे हमने सारी चीज़ें पूछताछ और वीडियोग्राफी जो भी चीज़ हमने देखी है। और इन सब चीज़ों को रखते हुए भी हमें परिजनों को किसी ने भी पुलिस प्रशासन ने ये जरूरत नहीं उठाई कि हमें उसका इन्फॉर्मेशन दें या कुछ जानकारी दें कि इसने इस कार्रवाई पे ये कार्रवाई हो रही है आपके खिलाफ। क्या मांग करते हैं? हम इस पे अपने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश कर, एफआईआर लिखवाने के लिए कहा गया। एफआईआर हमारी 14 तारीख से लेकर आज तक एफआईआर नहीं लिखी पुलिस प्रशासन ने पूरे। पुलिस ने क्या बताया घटना? सीओ सिटी एसपी जो भी हैं सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, मेरे को तो यही लगता है। क्योंकि जब कोई कार्रवाई हो रही है उसके परिजनों को कोई सूचित नहीं कर रहा है तो ये सब चीज़ क्या होता है? मैंने पीएम पोर्टल पे भी इसकी सूचना दी, पीएम पोर्टल पे भी मेरे को 2-4 दिन के अंदर ही इसको क्लोज कर दिया गया मैटर को कि हमें इस विवेचना में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।
उसका आप शब्द देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे आज प्रशासन से आज मैं अपने ये पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जो दोषी पाया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और मेरे जो भांजी के देहांत हुआ है उसको आरोपी को गुनेगा